लोग गजब का स्वागत है नए वीडियो में। सबसे लोग बात कर लेते हैं एशियन एशियन कप के बारे में। तो एशियन एशियन कप में आज मैच है इंडिया वर्सेस उज्बेकिस्तान और काफी काफी ज्यादा एक बड़ा मुकाबला होने वाला है आज। और ये मैच है आज रात को 8 बजे। इस मैच को आप जियो सिनेमा में और स्पोर्ट्स 18 में देख सकते हो। जियो सिनेमा में ये जो मैचेस है इनको फ्री में टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो इसके लिए कोई भी अलग से सब्सक्रिप्शन पेमेंट जैसे जियो में होता है जियो सिनेमा में, वो वैसा ही आपको यहाँ पे करना है। कोई एक्स्ट्रा कुछ पैसा नहीं देना है आपको और पूरा फ्री में दिखाया जा रहा है, तो ये भी एक अच्छा बात है। तो यार उम्मीद करते हैं कि लोग देखेंगे इस मैच को। और फॉर श्योर डिफिकल्ट मैच होने वाला इंडिया के लिए, क्योंकि उज्बेकिस्तान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। लास्ट 8 मैचेस से उज्बेकिस्तान ने एक भी मैच नहीं हारा है। जो लास्ट मैच उज्बेकिस्तान का एशियन कप में सीरिया के अगेंस्ट में उनका ये पहला मैच था, वो भी ड्रॉ में एंड हुआ था। फाइनल स्कोर लाइन था 0-0। और ऐसा नहीं कि इंडिया ने उज्बेकिस्तान को नहीं हारा है, उज्बेकिस्तान को इंडिया ने हराया एक टाइम पे, लेकिन करेंटली उज्बेकिस्तान का जो फॉर्म है वो काफी ज्यादा बेटर फॉर्म है एंड ओवरऑल टीम का स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इस मैच में इंडिया के लिए छांगते और अमरिंदर सिंह मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल नहीं होने वाले। उनको थोड़ा सा निकल इंजरीज काइंड ऑफ आया है। अब अमरिंदर सिंह अवेलेबल नहीं है ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अब छांगते अवेलेबल नहीं है ये थोड़ा सा बड़ा इशू है अटैक के लिए। और इंडिया डेफिनेटली ट्राई करेगा कि ये मैच वो जीते, क्योंकि अगर इंडिया नेक्स्ट 2 मैचेस जीत जाते सीरिया और उज्बेकिस्तान को हरा के, तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैच का जो इंपॉर्टेंस है बहुत बहुत ज़्यादा वाइटल है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में इंडिया ने खराब फुटबॉल नहीं खेला था, काफ़ी बढ़िया फुटबॉल खेला था। अगर हम लोग ये देख लें कि ऑस्ट्रेलिया एशिया का वन ऑफ द टॉप टीम्स में से काउंट किया जाता है, लाइक जापान कोरिया उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को ही काउंट किया जाता है एशियन फुटबॉल में। सो दे आर एशियन फुटबॉल जायंट, और उस सेंस में तो इंडिया ने काफ़ी बढ़िया फाइट दिया था। और इस मैच में वही उम्मीद है कि उसी चीज़ को वो कंटिन्यू रखेंगे और ज़्यादा बेटर फुटबॉल देंगे, क्योंकि उज्बेकिस्तान उतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में तो काफ़ी कम ही स्ट्रॉन्ग टीम आप इनको कंसिडर कर सकते हो। सो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस मैच का रिजल्ट फाइनली क्या होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कलिंगा सुपर कप के बारे में। तो कलिंगा सुपर कप में आज तो ब्रेक है, कल 2 मैच था। पहला मैच था एफसी गोवा वर्सेस बैंगलोर एफसी, और ये मैच एक टाइम के लिए लग रहा था कि ड्रॉ में ही एंड होगा, क्योंकि मैच चल भी वैसे ही रहा था। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम खेला एफसी गोवा ने, गोवा भी थोड़ा सा इस मैच में कैजुअल ज्यादा था। और बैंगलोर का तो वैसे भी नए नए कोचेज आए और टीम का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी सही नहीं है। काफी मेन दो जो की प्लेयर्स है बैंगलोर के, गुरप्रीत सिंह संधू और सुनील छेत्री, दोनों ही अवेलेबल नहीं है। फॉरेन प्लेयर्स जैसे कर्टिस मिल्स छोड़ के जा चुके हैं, सो प्रॉब्लम्स थे स्क्वाड में। इसलिए बैंगलोर भी थोड़ा सा डिफेंसिव शेप मेंटेन करके खेल रहे थे, और ओवरऑल मैच का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं था। ऑल्दो एज बिकॉज रिसेंट टाइम में गोवा के मैचेस देख देख के इतना अच्छा हाई पेस्ड मैच देख देख के आ चुका है, तो स्लो मैचेस ना वो आंख में भी लगता है। और मैच कल ओवरऑल पासिंग एक्यूरेसी आप देख लो या फिर जिस हिसाब से प्लेइंग स्टाइल हो रहा था, बहुत ही कैजुअल नॉर्मल, नथिंग एक्सेप्शनल या फिर बहुत अच्छा भी नहीं था। बट एंड मोमेंट में जाके गोवा ने यह मैच जीता है। ब्राइसन फर्नांडिस ने एंड में जाके एक हेड में गोल किया, काफी बढ़िया गोल था, और उसी से गोवा ने यह मैच 1-0 से जीत लिया है। सो अब ऐसा नहीं कि गोवा क्वालिफाई कर चुके हैं नॉकआउट्स के लिए, उनको एक और मैच जीतना होगा और वो मैच है उड़ीसा के अगेंस्ट में। क्योंकि अगर हम लोग कल का दूसरा मैच की बात कर ले जो था इंटर काशी वर्सेस उड़ीसा एफसी, वो मैच उड़ीसा ने जीत लिया है 3-0 से। तो जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बोला था कि पहले तो देखा जाता है हेड टू हेड में, अगर इसी गोवा उड़ीसा का जो मैच होगा अगर उसमें गोवा जीत जाते तब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप गोल डिफरेंस देखो ये देखो वो देखो, लेकिन अगर वैसा नहीं होता तो तब गोल डिफरेंस ही देखा जाएगा। अगर मान लो वो मैच ड्रॉ में, और गोल डिफरेंस में उड़ीसा बहुत आगे है गोवा से, सो एफसी गोवा को जो लास्ट मैच है वो जीतना ही होगा। और उड़ीसा एफसी कोई छोटा या फिर इजी ओपोनेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उड़ीसा का भी जो मेन टीम है फुल अवेलेबल है, फॉरेन प्लेयर्स सारे अवेलेबल है, सो वहां पे उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। एंड गोवा में भी फॉरेन प्लेयर्स तो अवेलेबल है, लेकिन हाँ कार्लोस मार्टिनेस का अभी तक कोई रिप्लेसमेंट आया नहीं है, ब्रैंडन अवेलेबल नहीं है, कुछ इंडियन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। तो उस सेंस में फॉर श्योर फाइनल मैच काफी वाइटल होने वाला है। बट हाँ उड़ीसा वर्सेस इंटरकाशी का जो मैच हुआ है कंप्लीट डोमिनेशन उड़ीसा की तरफ से, वैसे भी इंटरकाशी को एक रेड कार्ड मिला था तो उस सेंस में वो ऑलरेडी वीक हो गए थे। उसके बाद तो उड़ीसा ने कंटिन्यूअसली अटैक किया है, और एक टाइम के बाद उड़ीसा ने थोड़ा सा पेस को स्लो कर दिया, सिर्फ पास कर रहे थे अपने हाफ में धीरे धीरे पास कर रहे थे, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते कि यार बिग मैचेस से पहले कोई बहुत बड़ा इंजरी आए। और हाँ अब देखते हैं कि जो फाइनल मैच होगा इस ग्रुप का, वहाँ पे गोवा और उड़ीसा का जो मैच होने वाला है उसका रिजल्ट क्या होता है एंड उसका आउटकम क्या निकलता है, क्योंकि वो जो मैच जीतेगा वो नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई करने वाला है, अगर ड्रॉ होता है तब उड़ीसा क्वालिफाई कर जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हैदराबाद एफसी के बारे में। तो जो नोलस ने
हैदराबाद एफसी छोड़ दिया है, अगेन एक और हैदराबाद का प्लेयर हैदराबाद छोड़ के जा चुका है, तो करेली हैदराबाद के पास शायद एक फॉरेन प्लेयर बाकी है अभी, और बाकी तो सब ने ही छोड़ दिया है हैदराबाद। अगेन सेम इशू, म्यूचुअल टर्मिनेशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, और इशू सेम ही है कि सैलरी क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसीलिए जो नोलिस ने क्लब को छोड़ दिया है। अब हैदराबाद को 5 फॉरेन प्लेयर्स का रिप्लेसमेंट चाहिए, जो कि होने नहीं वाला है, मैं लिख के देता हूँ। फाइनेंशियल कंडीशन ही नहीं है, ऑलरेडी सैलरी पेंडिंग है, ट्रांसफर बैन लगा हुआ है, तो वो साइनिंग तो वो लोग कंप्लीट नहीं करने वाले, मतलब वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फीफा का ट्रांसफर बैन है। जब तक वो सैलरी क्लियर नहीं करते प्लेयर्स का, तब तक लाइक यू नो वो नहीं कर सकते प्लेयर्स का साइनिंग। सो देखते हैं कि क्या होता है हैदराबाद का, कब तक वो सैलरी क्लियर करते हैं, और क्या कोई वो रिप्लेसमेंट फॉरेन प्लेयर को लाएंगे भी या नहीं, या फिर वो एक कंप्लीट ऑल इंडिया स्क्वाड के साथ आईएसएल में रेस्ट ऑफ द सीजन खेलने वाले हैं। नेक्स्ट लोग बात कर लेते हैं अजाक्स के बारे में। अजाक्स ने जॉर्डन यू नो हेंडरसन का साइनिंग कंप्लीट कर दिया। हेंडरसन इज बैक ऑन यूरोपियन फुटबॉल, और लाइक यू नो यूरोपियन फुटबॉल में इनका जो कम बैक हुआ है सऊदी से, क्योंकि सऊदी में लाइक हेंडरसन उतना फिट नहीं हो पाया सऊदी फुटबॉल में। प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट इंटरनेशनल लेवल में टॉप नॉच प्लेयर है, इसको लेकर तो कोई सवाल उठना भी नहीं चाहिए, बट सऊदी प्रो लीग में पता नहीं क्यों बट वो जरा सेटल डाउन हो नहीं पाया, जिसकी वजह से वो अजाक्स में वापस आ चुके हैं, और यूरोपियन फुटबॉल बेसिकली यू नो वापस आ चुके हैं और अजाक्स में खेलने वाले। से देखते हैं कि अजाक्स में हेंडरसन का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। नेक्स्ट हम बात करें चेल्सी के बारे में, तो चेल्सी ने इंटरेस्ट दिखाया नन अदर देन करीम बेंजेमा के ऊपर। अब बेंजेमा ऑलरेडी अल इतिहाद में है, और चेल्सी के लिए डील कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो बेंजेमा का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है 100 मिलियन यूरोस पर ईयर, बेंजेमा को यूरोप में कोई भी क्लब 100 मिलियन यूरो तो नहीं देने वाला, और वैसा एक मतलब यू नो इतना ह्यूज और ऐसे बिना सर पैर वाला अमाउंट आपको सऊदी में ही मिलेगा। चेल्सी फॉर श्योर 100 मिलियन यूरोज एफोर्ड नहीं कर सकता, और लाइक बेंजेमा को 100 मिलियन यूरोज का ईयरली कॉन्ट्रैक्ट देना चेल्सी के लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, तो वो लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं। अब मुझे लगता नहीं है कि बेंजेमा चेल्सी में आने वाले, क्योंकि यार ऑलरेडी लाइक यू नो बेंजेमा वहाँ पर अच्छा खासा सेटल्ड है, उनका क्लब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल टीम का स्ट्रक्चर सही है, इतना पैसा मिल रहा है, और अगर उनको टॉप क्लब में जाना ही था तो वो सऊदी में क्यों जाते हैं। अगर उनको वहाँ मतलब चेल्सी वेल्सी में ही आना था तो अल इतिहाद में जाने से पहले उनके पास चेल्सी का ऑफर था, यूनाइटेड का ऑफर था, इतने सारे क्लब्स का ऑफर था, तभी चले जाते। तो हाँ, करीम बेंजेमा फॉर श्योर चेल्सी पर नहीं आने वाले, लेकिन चेल्सी अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। सो गाइस आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, शेयर कर दो उसको इसमें, एंड अगर विषय में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बेल कर देना ताकि मैं जब भी अपलोड करो आपको तुरंत रिफ्रेश मिल जाए, एंड मैं